हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वरी वरी यू फील कनेक्टेड विद, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ कंटेम्पोररी वेस्टर्न फिलासफी, और अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा आप जाके उनको आल्सो देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे या एक्स पे। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जहां मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हर्मेंटिक्स ऑफ सस्पिशन। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हर्मेंटिक्स है ये ऐसा आर्ट और साइंस है इंटरप्रिटेशन का, जिसमें टेक्स्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, स्पेशली रिलीजियस लिटरली फिलासफिकल टेक्स्ट्स। सिमिलरली जो हर्मेंटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये एक क्रिटिकल और मेथोडोलॉजी है और क्रिटिकल अप्रोच है, जिसको यूज़ किया जाता है डिस्कवर करने के लिए हिडन मीनिंग्स, स्ट्रक्चर्स, आइडियोलॉजीज ऑफ द टेक्स्ट्स, सोशल प्रोसेसेस एंड बिलीफ्स, जो कि हिडन होते हैं, जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं और जो कि नॉन अपेरेंट होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हर्मेंटिक्स ऑफ सस्पिशन कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया है बाय पॉल रिक्योर, और ये जो कंसेप्ट है ये आल्सो एसोसिएटेड है विद वर्क्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स जैसे कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रायड, फ्रेडरिक नीत्ज़े। और ये जो थिंकर्स हैं इन्होंने आल्सो यूज़ किया इस कंसेप्ट को फॉर सरफेस लेवल मीनिंग्स इन ऑर्डर टू गेट और अचीव डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेरियस टेक्स्ट, सोशल प्रोसेसेस एंड बिलीफ्स। और असल में जो पॉल रिक्योर हैं वो क्वाइन करते हैं इस टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी इंटरप्रेटिव टेक्निक्स जिनको यूज़ किया बाय दीज थ्री थिंकर्स, दीज आर मार्क्स, नीत्ज़े एंड फ्रायड। और पॉल रिक्योर जो हैं वो क्वाइन करते हैं इस टर्म को डिस्कवर करने के लिए हिडन मीनिंग्स और नॉन अपेरेंट मीनिंग्स, मोटिवेशंस बिहाइंड द वेरियस कल्चरल टेक्स्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स। और पॉल रिक्योर जो हैं वो कंपेयर करते हैं कंसेप्ट ऑफ हर्मेंटिक्स ऑफ सस्पेंशन विद द हर्मेंटिक ऑफ ट्रस्ट, हर्मेंटिक ऑफ रेस्टोरेशन। और ये जो कंसेप्ट्स हैं ये आल्सो डील करते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट्स एंड ट्रेडिशंस। जो पॉल रिक्योर के कंसेप्ट हैं हर्मेंटिक्स ऑफ सस्पेंशन, ये डील करता है विद द टू थिंग्स। फर्स्ट, इसमें डिस्कवर किया जाता है हिडन मीनिंग्स ऑफ द टेक्स्ट्स, बिलीफ्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस। सेकंड, ये आल्सो एक्ट करता है एज अ वैल्यू ऑफ ट्रस्ट फॉर इंटरप्रेटर, जब इंटरप्रेटर एंगेज और डील करते हैं विद द टेक्स्ट्स एंड ट्रेडिशंस। एनीहाउ, जो मेन की कंसेप्ट्स हैं रिक्योर के हर्मेंटिक्स ऑफ सस्पेंशन के वो हैं, फर्स्ट डेप्थ इंटरप्रिटेशन। नाउ इट इज़ क्लियर टू अस दैट के जो हर्मेंटिक्स ऑफ सस्पेंशन है ये प्रोसेस है जिसमें इंटरप्रेटर गेन करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें टेक्स्ट, सोशल प्रोसेसेस और बिलीफ्स की जो हिडन मीनिंग होती हैं या जो ट्रुथ्स होते हैं उनको डिस्कवर किया जाता है, और इनमें इंटरप्रेटर एनालाइज करते हैं वो एस्पेक्ट्स जो कि नॉन अपेरेंट होते हैं या जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं। और डेप्थ इंटरप्रिटेशन जो है ये क्रूशियल एस्पेक्ट है हर्मेंटिक्स ऑफ सस्पेंशन का, जिसमें इनविजिबल और हिडन मीनिंग्स, मोटिव्स या पावर डायनामिक्स जो हैं उनको इंटरप्रेट और समझा जाता है। असल में जो डेप्थ इंटरप्रिटेशन अप्रोच है इसको यूज़ किया है बाय कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रायड, फ्रेडरिक नीत्ज़े, डिस्कवर करने के लिए हिडन स्ट्रक्चर्स जो कि शेप करते हैं ह्यूमन मेंटेलिटी एंड सोशल नॉर्म्स को। और अगर हम बात करेंगे कि एस्पेक्ट्स ऑफ डेप्थ इंटरप्रिटेशन के, फर्स्ट जो है दैट इज़ डेप्थ इंटरप्रिटेशन में अनकवर किया जाता है हिडन मीनिंग्स को, सो जो हिडन मीनिंग्स होती हैं उनको डिस्कवर किया जाता है जो कि मोस्टली नॉन अपेरेंट और इनविजिबल होते हैं, जो कि आल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर और बिलीफ्स को। जैसे जो फ्रूड हैं वो एनालाइज करते हैं ड्रीम्स और सिम्पटम्स को, बिकॉज वो बिलीव करते थे कि जो ड्रीम्स और सिम्पटम्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं हमें अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हिडन डिज़ायर्स, फियर्स एंड अनरिजॉल्वड कॉन्फ्लिक्ट्स। सिमिलरली जो मार्क्स हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को, बिकॉज ही वांट्स टू डिस्कवर कैसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास
इन्फ्लुएंस होते हैं विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज विद इन द सोसाइटी। इसी तरह जो नेटिव्स ही हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं मॉरल वैल्यूज और रिलीजियस बिलीफ्स को, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग जो मॉरल वैल्यूज और रिलीजियस बिलीफ्स हैं ये हिंडर और रोकती हैं इंडिविजुअल्स को फ्रॉम देयर फ्री विल और फ्रीडम। सेकेंड की आस्पेक्ट जो है डेप्ट इंटरप्रिटेशन का वो है डीकंस्ट्रक्शन। इन डीकंस्ट्रक्शन डिफरेंट टेक्स्ट्स आइडियाज़ और थॉट्स को इंटरप्रेट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कंट्राडिक्शंस एम्बिग्यूटीज एंड अंडरलाइंग टेंशनस इन दोज टेक्स्ट्स आइडियाज एंड थॉट्स। जैसे फ्रूड जो है वो डीकंस्ट्रक्ट करता है स्टेट्स दो स्टेट्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, जैसी डिज़ायर्स को, फियर्स को, कन्फ्लिक्ट्स को, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं कॉन्शियस माइंड को। सिमिलरली जो मार्क्स हैं वो डीकंस्ट्रक्ट करता है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को और आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग क्लास को, आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे रूलिंग क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट करता है वर्किंग क्लास को। इसी तरह जो नीटीज ही हैं वो डीकंस्ट्रक्ट करता है ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज को, आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज जो हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम पावर स्ट्रगल्स एंड विल टू पावर। और थर्ड की आस्पेक्ट जो है डेप्ट इंटरप्रिटेशन का वो है क्रिटिकल एनालिसिस। डेप्ट इंटरप्रिटेशन में आल्सो एक्सेप्टेड जो मीनिंग्स और नॉर्म्स होते हैं उनको क्रिटिकली चैलेंज किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। जैसे फ्रूड जो है वो यूज़ करता है अपनी थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस चैलेंज करने के लिए रीजनिंग पावर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और वो पर्टिकुलरली फोकस करता है ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। सिमिलरली जो मार्क्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम फॉर द रूल इन मेंटेनिंग पावर इनइक्वालिटीज। इसी तरह जो नीटीज ही हैं वो क्वेश्चन करते हैं अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ मॉरलिटी एंड रिलीजन, डिस्कवर करने के लिए उनका ओरिजिन इन ह्यूमन साइकोलॉजी एंड पावर रिलेशंस। और जो फोर्थ की आस्पेक्ट है डेप्ट इंटरप्रिटेशन का वो है दैट इज कि इट रिवील्स पावर डायनामिक्स। और ये जो कंसेप्ट है ये सेंट्रल एम है डेप्ट इंटरप्रिटेशन का, दैट इज इसमें डिस्कवर किया जाता है कैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पावर विद इन दिस सोसाइटी और ग्रुप, जो कि शेप करता है बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को। जैसे फ्रूड जो है वो हाईलाइट करता है कैसे सोशल नॉर्म्स और फैमिली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल के डिज़ायर्स को। सिमिलरली जो मार्क्स हैं वो हाईलाइट करते हैं कि कैसे कैपिटलिस्ट क्लास और रूलिंग क्लास यूज़ करते हैं अपने आइडियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए अपने ओन पावर को। इसी तरह जो नीडीज ही हैं वो हाईलाइट करते हैं कि कैसे मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज सप्रेस करते हैं, रोकते हैं इंडिविजुअल्स को फ्रॉम देयर एक्सलेंस एंड विल टू पावर एमंग स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स। इसके अलावा जो डेप्थ इंटरप्रिटेशन है इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, इसको यूज़ किया जाता है फॉर द वेरियस पर्पजेज, जैसे लिटरली क्रिटिसिज्म है। जो डेप्थ इंटरप्रिटेशन है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए लिटरली टेक्स्ट्स को, डिस्कवर करने के लिए उनका हिडन मीनिंग और नॉन अपेरेंट मीनिंग को, आइडियोलॉजीज़ को, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ दोज स्टोरीज एंड डिस्कोर्सेस जो कि रिलेट करते हैं विद द पावर स्ट्रक्चर्स हायरार्कीज विद इन द सोसाइटी, एंड इट इंटरप्रिट्स ऑल्सो दोज लिटरेचर्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड फियर्स को। सेकेंड जो इनडेप्थ इंटरप्रिटेशन है उसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन कल्चरल स्टडीज, जिसमें कल्चरल आर्टिफैक्ट्स और प्रैक्टिसेस जो हैं जिनकी डीपर सिग्निफिकेंस होती हैं उनको समझा जाता है, इंटरप्रिट किया जाता है। जैसे इन्वेस्टिगेट करना कैसे मीडिया और पॉपुलर कल्चर्स जो हैं वो प्रिजर्व करते हैं सोशल नॉर्म्स को और स्टीरियोटाइप्स को। और डेप्ट इंटरप्रिटेशन में ऑल्सो एक्सप्लोर किए जाते हैं सिम्बॉलिक मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द कल्चरल रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। इसके अलावा जो डेप्ट इंटरप्रिटेशन है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन साइको एनालिसिस, और ये ऑल्सो फाउंडेशनल है इन साइको एनालिटिक प्रैक्टिस, जिसमें पेशेंट्स की फ्री एसोसिएशंस, ड्रीम्स और बिहेवियर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इंटरप्रिट किया जाता है इन ऑर्डर टू नो अबाउट दियर मेमोरीज, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल एज इसमें ऑल्सो सिम्बॉलिक मीनिंग्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसिस को ऑल्सो समझा जाता है। इसके अलावा जो डेप्थ इंटरप्रिटेशन है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन सोशल क्रिटिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, एनालाइज करने के लिए कैसे लॉज, पॉलिसीज़,
और इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन स्ट्रक्चर्स, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, और जिसमें ऑल्सो एनालाइज किए जाते हैं फंक्शंस ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशंस जैसे एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, कैसे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं मेंटेन करते हैं सोशल कंट्रोल विद इन द सोसाइटी। सो इनको ऑल्सो इंटरप्रेट किया जाता है डेप्थ में। सो जो डेप्थ इंटरप्रिटेशन है विद इन द हर्मेनिटिक्स ऑफ सस्पेंशन, ये एक्ट करते हैं एज ए पावरफुल फ्रेमवर्क जिसको यूज़ किया जाता है डिस्कवर करने के लिए, सीख करने के लिए हिडन स्ट्रक्चर्स और मोटिवस जो कि शेप करते हैं ह्यूमन थाट्स और सोसाइटीज़ को। एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग इनविजिबल और हिडन फीचर्स और नॉन अपेरेंट फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट, बिलीफ्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस, इसमें ऑल्सो एनालाइज किया जाता है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर आइडियोलॉजीज, अनकॉन्शियस फोर्सेस जो कि शेप और इन्फ्लुएंस करते हैं बिलीफ्स और बिहेवियर्स ऑफ द इंडिविजुअल। और ये जो अप्रोच है ये एक्ट करता है एज ए क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव अप्रोच अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे वर्ल्ड जो है, जो डेप्थ इंटरप्रिटेशन अप्रोच है ये एक्ट करता है एज अ क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, जिसमें एक्सेप्टेड नॉर्म्स को चैलेंज किया जाता है, डीपर ट्रुथ्स को अनकवर किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है। सेकंड की पॉइंट जो है रिक्योर्स का हर्मेनिटिक्स ऑफ सस्पेशन, वो है क्रिटिकल अनमास्किंग। जो क्रिटिकल अनमास्किंग है ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रुथ्स को डिस्कवर किया जाता है, जाना जाता है और रियलिटीज़ को जाना जाता है जो कि मेनली हिडन होते हैं, नॉन अपेरेंट होते हैं और इनविजिबल होते हैं इन आइडियोलॉजीज, फॉल्स नैरेटिव्स एंड पावर रिलेशंस जो कि ऑल्सो शेप करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट रियलिटी। सो जो क्रिटिकल अनमास्किंग है ये फंडामेंटल आस्पेक्ट है हर्मेनिटिक्स ऑफ सस्पेशन का, और ये ऑल्सो एक्ट करता है एज ए टूल जिसमें ट्रुथ्स, मोटिव्स और आइडियोलॉजीज़ को इंटरप्रेट किया जाता है बिहाइंड एनी कंसेप्ट, सिचुएशन और फिनोमिना। और ये जो प्रोसेस है ये ऑल्सो एसेंशियल है फॉर डिस्कवरिंग दोज ट्रुथ्स जो ये नॉन अपेरेंट हैं, हिडन हैं इन दियर रियलिटी और एक्सेप्टेड नॉर्म्स। नाउ बात करते हैं अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल अनमास्किंग। फर्स्ट जो है दैट इज़ इट रिवील्स हिडन ट्रुथ्स। क्रिटिकल अनमास्किंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंटेंशंस, थॉट्स और डिज़ायर्स को डिस्कवर किया जाता है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटल नॉर्म्स को। जैसे जो फ्रूड है इन साइको एनालिसिस वो इंटरप्रेट करते हैं अनकॉन्शियस स्टडी स्टेट्स ऑफ माइंड बिहाइंड एक्शंस, बिलीव्स इंक्लूडिंग कंट्रोल्ड डिज़ायर्स एंड अनरिजॉल्वड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसी तरह जो मार्स है वो एनालाइज करता है इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेट्स ऑफ द वेरियस क्लासेस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट्स, इकोनॉमिक मोटिव्स बिहाइंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह जो नीटिस का जीनोलॉजिकल एनालिसिस है वो बेस्ड ऑन है पावर डायनेमिक्स एंड साइकोलॉजी जो कि हेवीली इन्फ्लुएंस होता है विद द मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज से। सेकेंड जो है दैट इज क्रिटिकल अनमास्किंग में एक्सपोज किए जाते हैं पावर स्ट्रक्चर्स। सो जो क्रिटिकल अनमास्किंग है ये ऑल्सो प्रोसेस है जिसमें पावर स्ट्रक्चर्स जो है उनको एक्सपोज किया जाता है, जिसमें ऑल्सो पावर स्ट्रक्चर्स को एनालाइज किया जाता है कैसे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड और मेंटेन और मतलब उसको एक्सरसाइज किया जाता है विद इन द सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर सिस्टम्स। जैसे जो फ्रूड है वो इन्वेस्टिगेट करता है कैसे सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं और फैमिली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल के डिज़ायर्स को। इसी तरह जो मार्स हैं वो एनालाइज करते हैं कि कैसे रूलिंग क्लास जो है वो यूज़ करते हैं अपनी ओन आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स को एज वेल एज इकोनॉमिक्स को इन ऑर्डर टू डोमिनेट एंड कंट्रोल ओवर ऑन द वर्किंग क्लास। इसी तरह जो नीटीज हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कैसे मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज जो हैं वो रोकते हैं इंडिविजुअल्स को फ्रॉम देयर फ्री विल, और कैसे मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज जो है वो मेंटेन करते हैं सोशल हायरार्कीज इन द सोसाइटी। थर्ड जो है दैट इज़ क्रिटिकल अनमास्किंग जो है ये आल्सो इसमें आल्सो चैलेंज किया जाता है आइडियोलॉजीज़ को, और क्रिटिकल अनमास्किंग में आल्सो क्रिटिसाइज और रीज किए जाते हैं क्वेश्चंस अबाउट द डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ जो कि शेप करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द वर्ल्ड। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इसमें क्रिटिकली क्वेश्चन और एनालाइज किए जाते हैं वो बिलीफ्स, वैल्यूज और अजम्पशंस अपनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और बिलीफ सिस्टम विच आर मेनली डोमिनेंट आइडियोलॉजी। जैसे जो फ्रूड हैं वो यूज़ करता है रैशनलाइजेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिज़ायर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माइंड फ्राम एनजाइटी जो कि अराइज होती हैं फ्राम अनएक्सेप्टेबल थाट्स एंड फीलिंग्स। इसी तरह जो
मार्क्स हैं वो इंटरप्रेट और एनालाइज करते हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को, जानने के लिए कैसे कैपिटलिस्ट और रूलिंग क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्किंग क्लास को। सिमिलरली जो नीतीश ही है वो एनालाइज करते हैं कि कैसे मॉरल और रिलीजियस आइडियोलॉजीज जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, थॉट एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को। फोर्थ जो है इट अनवील्स फॉल्स कॉन्शियसनेस, जो क्रिटिकल अनमास्किंग है इसमें आल्सो इन्वेस्टिगेट किया जाता है फॉल्स कॉन्शियसनेस को। एक्चुअली जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है ये कंसेप्ट है इन मार्क्सिस्ट थ्योरी में, जिसमें कैपिटलिस्ट और रूलिंग क्लास ओन करता है मटीरियल आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को, और वो मिसलीड करते हैं उसमें मेम्बर्स ऑफ देयर लोअर क्लास। और ये जो कंसेप्ट है इसमें आल्सो इंटरप्रेट किए जाते हैं कैसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स मिसलीड करते हैं इसमें आल्सो इंटरप्रेट किया जाता है कैसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो हैं वो मिसलीड होते हैं थ्रू देयर ओन परसेप्शंस एंड बिलीफ्स। जैसे जो फ्रूड है वो दिखाते हैं कि कैसे डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है वो क्रिएट करते हैं फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड रैशनलिटी, और कैसे डिफेंस मैकेनिज्म हिंडर रोकते हैं जेन्युइन इमोशनल प्रोसेसिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिमिलरली जो मार्क्स हैं वो एनालाइज करते हैं कि कैसे आइडियोलॉजीज क्रिएट करती हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस, जिसमें प्रोलेटेरियट दैट इज वर्किंग क्लास जो है वो मिसलीड होते हैं बाय देयर आइडियोलॉजीज ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसी तरह जो नीतीश ही हैं वो हाईलाइट करते हैं कि कैसे मॉरल और रिलीजियस बिलीफ जो है वो एक्ट करते हैं एज एन इल्यूजनस, जो कि रोकते हैं इंडिविजुअल्स को फ्रॉम रियलाइजिंग देयर ट्रू पोटेंशियल एंड पावर। अनलाइक अडेप्ट इंटरप्रिटेशन जो क्रिटिकल अनमास्किंग है, इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन अदर डिफरेंट फील्ड जैसे लिटरेरी क्रिटिसिजम्स में। डिफरेंट आइडियोलॉजीज और हिडन मीनिंग्स जो हैं उनको अनमास्क किया जाता है विद इन लिटरेरी टेक्स्ट, जैसे कैसे आथर कन्वे करना चाहता है, रीइंफोर्स करना चाहता है और डिफाइन करना चाहता है सर्टन वैल्यूज बिलीव्स एंड परसेप्शंस थ्रू हिज राइटिंग। फॉर एग्जांपल सोशल हायरार्कीज, कास्ट सिस्टम, रूलिंग वर्किंग क्लास। सेकेंड जो है दैट इज़ क्रिटिकल अनमास्किंग जो है, इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन कल्चरल स्टडीज़, जिसमें कल्चरल आर्टिफैक्ट्स और प्रैक्टिसेस को एनालाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर डीपर सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल मीडिया कंटेंट अबाउट सर्टेन ग्रुप्स और आइडेंटिटीज एंड सोशल इश्यूज। थर्ड जो है दैट इज़ क्रिटिकल अनमास्किंग जो है, इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन साइको एनालिसिस, जिसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया जाता है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन और एक्सपीरियंसेस को। फॉर एग्जांपल एनालाइज करना पेशेंट के सिम्टम्स को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कैसे अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं पेशेंट के बिहेवियर को। इसी तरह जो क्रिटिकल अनमास्किंग है, इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन सोशल क्रिटिक, जैसे फॉर एनालाइजिंग कैसे इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स जो है वो पोजेस करते हैं डोमिनेट आइडियोलॉजीज, पावर स्ट्रक्चर्स विद इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल एनालाइज करना बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज और सोशल हायरार्कीज जो हैं वो एविडेंट होगी। एनी हाउ जो क्रिटिकल अनमास्किंग है विद इन द हर्मेनिक्स ऑफ सस्पेशन, ये प्रोवाइड करती हैं हमें पावरफुल टूल डिस्कवर करने के लिए हिडन एस्पेक्ट्स और नॉन एपेरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट्स, बिलीफ्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस, जो कि शेप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को। और ये जो प्रोसेस हैं ये लुक करती हैं बियॉन्ड सुपरफिशियल प्रेजेंटेशंस, इस डिस्कवर करने के लिए हिडन एजेंडास, हायरार्कीज ऑफ पावर एज वेल एज दोज बिलीफ्स जो कि शेप करते हैं सोशल इंटरप्रिटेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस को। एंड थ्रू दिस अप्रोच हम समझ सकते हैं कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंक्लूडिंग मोटिव्स, पावर स्ट्रक्चर्स, आइडियोलॉजीज, एंड थ्रू विच हम आल्सो प्रमोट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज को। और थर्ड मेन की पॉइंट जो है रिक्योर के हर्मेनिक्स ऑफ सस्पेशन का, वो है डायलॉग बिटवीन सस्पेशन एंड ट्रस्ट। पॉल रिक्योर जो है वो एम्फसाइज करते हैं ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग क्रिटिकल अप्रोच थ्रू एम्पैथेटिक एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विच इज़ नोन एज ट्रस्ट। हर्मेनिक्स ऑफ सस्पेशन में क्रिटिकली क्वेश्चन और सीख किए जाते हैं हिडन मीनिंग्स विद इन द टेक्स्ट्स इन ऑर्डर टू नो अबाउट पावर स्ट्रक्चर्स, आइडियोलॉजीज और अनकॉन्शियस मोटिव्स। और जो डायलॉग बिटवीन सस्पेशन एंड ट्रस्ट है, ये सेंट्रल थीम है इन हर्मेनिटिकल एंड फिलोसफिकल डिस्कोर्सेज, जिसमें मीनिंगफुल और कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अचीव की जाती है अबाउट द टेक्स्ट्स, पीपल, सोसाइटी। सो जैसे इन सस्पेशन क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो है उसको कैरी आउट किया जाता है एनालाइज करने के लिए क्रिटिकली सरफेस अपीयरेंसेस, अजम्पशंस एंड ट्रुथ्स अबाउट द टेक्स्ट, सोशल प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स। और ये इसका पर्पस है कि सीख करना हिडन
और नॉन अपेरेंट एजेंडास, पावर डायनेमिक्स एंड आइडियोलॉजीज को, जो कि डिफ़िकल्ट हैं समझने और इंटरप्रेट करने। एंड इन क्रिटिकल एग्जामिनेशन और सस्पिशन मेथड्स लाइक स्केप्टिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग, रिकन्स्ट्रक्शन, इनको यूज़ किया जाता है डिस्कवर करने दोज मोटिव्स एंड मीनिंग्स जो कि मेनली इनविजिबल, नॉन अपेरेंट और हिडन होते हैं। और अगर हम सम प्रोमिनेंट फिगर्स की बात करें जिन्होंने यूज़ किया क्रिटिकल एग्जामिनेशन और सस्पिशन इन दियर ओन फिलासफीज, दीज आर कार्ल मार्क्स जिसने क्रिटिक किया कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को, सिगमंड फ्रॉड जिसने स्टडी किया अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को, इसी तरह जो फ्रेडिंग निटीज ही उसने चैलेंज किया मॉरल और रिलीजियस नॉर्म्स को। इसके अलावा इन सस्पिशन और क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो मीनिंग और इंटेंशनलिटी है टेक्स्ट्स की, बिलीफ्स की, सोशल प्रैक्टिसेस की, उनको अनमास्क और डिस्कवर किया जाता है। जैसे मीनिंग और इंटेंशनलिटी अबाउट दोज टेक्स्ट्स, जिनकी जो मीनिंग और इंटेंशनलिटी हैं वो हिडन होती हैं अंडर द सरफेस टेक्स्ट्स, एक्शंस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। सो इन क्रिटिकल अनमास्किंग प्रोसेस जो डोमिनेट राइटिंग्स, आइडियोलॉजीज और सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट किया जाता है जानने के लिए उनकी इनहेरेंट बेसिस, पावर डायनामिक्स और एनालिसिस जो हैं वो कैरी आउट किया जाता है फॉर कंडक्टिंग लिटरली क्रिटिसिजम्स, कल्चरल स्टडीज एंड सोशल स्टडीज। सो जो सस्पिशन है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इंटरप्रेट करने के लिए टेक्स्ट्स और प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एक्सपोज देयर हिडन एजेंडाज और इम्प्लिकेशंस। और जो ट्रस्ट है ये ऐसी प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट की जिसमें इंटरप्रेटर जो है वो एंगेज और एक्सेप्ट करते हैं मीनिंग, वैल्यूज एंड इंटेंशंस ऑफ द टेक्स्ट्स, बिलीफ्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस। और इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है बिल्ड करना रिपोर्ट्स फॉर एस्टेब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर कन्फर्मिंग वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस एंड ट्रेडिशंस। और ये जो प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट की मेथड्स, इनमें मेथड्स लाइक एम्पैथी, ओपननेस, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट मीनिंग ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम सम प्रोमिनेंट फिगर्स की बात करते हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद द हर्मेनिटिक्स ऑफ फेथ और ट्रस्ट, वो हैं पॉल रिक्योर जिसने मेनली एम्फोसाइज किया ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट्स कंस्ट्रक्टिवली। सिमिलरली इन ट्रस्ट मीनिंग एंड वैल्यूज ऑफ टेक्स्ट्स, बिलीव्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस, सिमिलरली इन ट्रस्ट मीनिंग जो वैल्यूज होते हैं टेक्स्ट्स, बिलीव्स और सोशल प्रैक्टिसेस के, उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है थ्रू अप्रोचिंग दीज टेक्स्ट्स, बिलीव्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस। एंड टुगेदर एम्पैथेटिक एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है ये प्रमोट करती हैं क्रिटिकल अप्रिशिएटिव एंड क्रिटिकल कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंडर ट्रस्ट टेक्स्ट्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सोशल नॉर्म्स को डिक्लेयर किया जाता है एज ट्रू एंड मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एंड इन फिलोसफिकल, हर्मेनिटिक्स एंड थियोलॉजिकल स्टडीज जो ट्रस्ट हैं उसको यूज़ किया जाता है एज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस और मिक्सचर ऑफ वेरियस इंटरप्रिटेशंस। सो जो ट्रस्ट है ये बैलेंस्ड अप्रोच है जहाँ पे इंटरप्रेटर जो है वो मेंटेन करता है अपनी रेस्पेक्टफुल एंड ओपन माइंडेड एटीट्यूड टूवर्ड्स द टेक्स्ट्स, एंड इन विच इंटरप्रेटर जो है वो लुक करता है फॉर द टेक्स्ट्स ब्रॉडर इम्प्लिकेशंस एंड पोटेंशियल क्रिटिसिजम्स। एक्चुअली जो ट्रस्ट एंड सस्पिशन है ये अपोजिट नहीं है ईच अदर के, बट रादर बोथ जो है ये कम्प्लीमेंटरी अप्रोचेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और जो इंट्रैक्शन होती हैं बिटवीन द ट्रस्ट एंड सस्पिशन ये डायलेक्टिकल होते हैं, बोथ जो है ये चैलेंज और इन्फॉर्म करते हैं एक दूसरे को अचीव करने के लिए मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। एंड अचीव करने के लिए बैलेंस बिटवीन सस्पिशन एंड ट्रस्ट, बोथ जो है ये क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं स्क्रूटिनी को, जैसे मोटिव्स, हिडन मीनिंग्स एंड पोटेंशियल बेसिस को, एज वेल एज बोथ जो है ये अडेप्ट करते हैं ओपन माइंडेड अप्रोच अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट करने के लिए टेक्स्ट और बिहेवियर इन देयर ओन कंटेक्स्ट्स। एंड इन हर्मेनिटिक फिलासफी जो सस्पिशन एंड ट्रस्ट हैं ये फॉर्म करते हैं हर्मेनिटिक सर्कल, जिसमें टेक्स्ट्स, बिलीव्स और सोशल प्रैक्टिसेस को इंटरप्रेट किया जाता है इन पार्ट्स एज वेल एज इन होल मैनर टू अचीव डीपर एंड मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। और सस्पिशन में इंटरप्रेटर जो हैं वो क्रिटिकली एनालाइज और चैलेंज करते हैं इनिशियल इंटरप्रिटेशंस और ट्रस्ट्स को इन ऑर्डर टू अचीव न्यू इनसाइट्स एंड कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा जो सस्पिशन एंड ट्रस्ट हैं इनकी हमें इथिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, कैसे
हम इंटरप्रेट कर सकते हैं टेक्स्टस को, बिलीफ्स को, सोशल स्ट्रक्चर्स को, सो एंड एंड सो फोर्थ। और बोथ सस्पिशन एंड ट्रस्ट जो है ये क्रिटिकली एंगेज होते हैं विद द पावर डायनेमिक्स, आइडियोलॉजीज एंड हिडन मोटिव्स इन ऑर्डर टू प्रमोट जस्टिस एंड सोशल चेंज। बोथ सस्पिशन और ट्रस्ट जो है ये प्रमोट करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डायलॉग, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोलैबोरेटिव इंटरप्रिटेशन इन इंटरपर्सनल एंड इंटरकल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स। अनी हाउ जो डायलॉग है बिटवीन सस्पिशन एंड ट्रस्ट ये एसेंशियल है फॉर अचीविंग अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंगफुल बैलेंस्ड अप्रोच अबाउट द इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इथिकल एंगेजमेंट। बोथ सस्पिशन और ट्रस्ट जो है इसमें एनालाइज किए जाते हैं सरफेस अपीयरेंसेस ऑफ द टेक्स्ट्स, बिलीफ्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस। और बोथ जो है ये डील करते हैं विद मीनिंग्स एंड वैल्यूज थ्रू विच हम नेविगेट कर सकते हैं, थ्रू विच इंटरप्रेटर नेविगेट कर सकते हैं कम्प्लेक्स ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड सोसाइटल चैलेंजेस इफेक्टिवली। और ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन सस्पिशन एंड ट्रस्ट ये खाली एनहेंस नहीं करती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द टेक्स्ट्स एंड फिनोमेनास, बट ये आल्सो प्रमोट करती हैं डीपर कनेक्शंस एंड इथिकल अवेयरनेस इन आवर इंटरेक्शंस विद अदर्स। और पावर रिकॉर्ड का जो कंसेप्ट है हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन ये बेस्ड ऑन है इंटरप्रेटिव मेथड्स पे जिनको यूज़ किया मेनली बाई कार्ल मार्क्स, फ्रॉड एंड नीटीसी ने। और ये जो फिलासफर्स हैं इन्होंने आल्सो एक्सपोज किए हिडन मीनिंग, हिडन ट्रुथ्स और मीनिंग्स बिहाइंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। और पॉल रिकर जो है वो यूज़ करते हैं टर्म हर्मेटिक्स ऑफ सस्पेशन हाईलाइट करने के लिए कि ये जो कंसेप्ट है ये क्रिटिकल और स्केप्टिकल अप्रोच है जिससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और जिसे हम सीख कर सकते हैं हिडन और अनप्लेजेंट ट्रुथ्स विद इन आइडियोलॉजीज, साइकोलॉजी एंड कल्चरल नॉर्म्स। नो बात करते हैं अबाउट पर्पज एंड अप्रोच ऑफ हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन। अकॉर्डिंग टू रिक्योर जो हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये ऐसा मेथड है जिसमें चैलेंज किया जाता है इनविजिबल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, सिंबल्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस, जो कि पर्टिकुलरली एम करता है एट टू अनकवर और डिस्कवर हिडन पावर स्ट्रक्चर्स एंड फोर्सेस इन टेक्स्ट, सिंबल्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस। एंड अकॉर्डिंग टू रिक्योर्स हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन ये ऐसा अप्रोच है और वे है इंटरप्रिटेशन की जिसमें क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है सरफेस मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, स्पीशीज एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। और उसके अकॉर्डिंग जो हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन है इसमें क्रिटिकली रिजॉल्व, अकॉर्डिंग टू हिम जो हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये क्रिटिकली रिवार और मूव करता है अराउंड द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिडन मीनिंग्स, पावर डायनामिक्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द टेक्स्ट, सोशल प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल बिलीफ्स। और जो हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन है इसको करेक्टराइज किया जाता है एज स्केप्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स द सरफेस अपीयरेंसेस ट्रुथ्स, जो कि एम करता है एट गेनिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियलिटीज जो कि शेप करती हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एज वेल एज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को। और जो ओवरऑल पर्पस है हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन का वो है फर्स्ट जो है दैट इज़ क्रिटिकल इंक्वायरी। जो हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये एम करता है एट टू क्रिटिकली एनालाइज और डीकंस्ट्रक्ट सरफेस मीनिंग्स, डिस्कवर करने के लिए हिडन पावर डायनामिक्स, बेसिस एंड एजेंडा। सेकंड जो है दैट इज अनमास्किंग आइडियोलॉजीज। जो हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये एम करता है एट अनमास्क और टू अंडरस्टैंड आइडियोलॉजीज, एजम्पशंस जो कि एग्जिस्ट करते हैं विद इन वेरियस टेक्स्ट, सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड बाय डूइंग सो जो हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये हेल्प करते हैं इंटरप्रेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर इंटरेस्ट्स एंड इनइक्वालिटीज अमंग दीज आइडियोलॉजीज। थर्ड जो है दैट इज इट प्रमोट्स अवेयरनेस थ्रू इंटरप्रेटिंग और डिस्कवरिंग हिडन मीनिंग एंड पावर डायनामिक्स। जो हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये एम करता है प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज इट एम्पावर्स द मार्जिनलाइज्ड। और ये की गोल है हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन का कि ये एम्पावर करती हैं मार्जिनलाइज्ड को, मींस ये एक्सपोज और चैलेंज करती हैं हिडन आइडियोलॉजीज, पावर स्ट्रक्चर्स को जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इनइक्वालिटीज। और ये जो अप्रोच है ये वॉइस देता है, रेज करता है इशूज टू दो और ऑफ दोज पीपल जो कि साइलेंसड और अप्रेस्ड होते हैं। और ये जो अप्रोच है इसमें सीख की जाती हैं जस्ट एंड इक्वेटेबल और इट फोकसेस ऑन जस्ट एंड इक्वेटेबल सोसाइटी क्रिएशन। इन अदर वर्ड्स इसमें क्रिएट की जाती है मोर जस्ट एंड इक्वेटेबल सोसाइटी बाय प्रमोटिंग क्रिटिकल अवेयरनेस एंड एनकरेजिंग दोज एक्शंस जो कि अगेंस्ट होते हैं दोज ऑपरेटिव सिस्टम्स। नो बात करते हैं अबाउट अप्रोच ऑफ हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन। फर्स्ट जो है दैट इज स्केप्टिसिज्म।
इसको करेक्टराइज किया जाता है एज फंडामेंटल डिस्ट्रस्ट और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सरफेस और विजिबल मीनिंग्स। इन स्टेट ये फंडामेंटली फोकस करते हैं ऑन द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट सोशल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अनकवर हिडन ट्रूथ्स आइडियोलॉजीज एंड पावर डायनामिक्स। सेकंड जो है दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस। जो क्रिटिकल एनालिसिस अप्रोच है विद इन हर्मेनिटिक्स ऑफ सस्पिशन ये रिग्रेस एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है अबाउट द टेक्स्ट। इसमें बहुत सारी टेक्स्ट सोशल नॉर्म्स कल्चरल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज किया जाता है मतलब दिस टेक्स्ट सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं ये एक्सपोज करते हैं पावर डायनामिक्स आइडियोलॉजीज और बेसिस को। थर्ड जो है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी इनसाइड जो हर्मेनिटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये ग्रेटली बेनिफिट होता है फ्रॉम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बिकॉज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है इसमें फोकस किया जाता है ऑन मोर अडेप्ट एंड कम्प्रहेंसिव एनालिसिस थ्रू कलेक्टिंग इनसाइड्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक फिलॉसफी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड लिटरली थ्योरीज। फोर्थ जो है दैट इज कंटेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग। इन हर्मेनिटिक्स ऑफ सस्पिशन मेनली फोकस वॉज गिवन ऑन कंटेक्सुअल इंटरप्रिटेशन इन विच फोकस वॉज मेनली गिवन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस विद इन दियर ब्रॉडर हिस्टोरिकल सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज कैसे जो मीनिंग है वो शेप होती है थ्रू दियर एनवायरमेंट इन विच दे एग्जिस्ट। फिफ्थ जो है दैट इज इथिकल कमिटमेंट। जो इथिकल कमिटमेंट्स हैं विद इन द हर्मेनिटिक्स ऑफ सस्पिशन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि गाइड करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। एट कंक्लूजन हमने पाया कि जो हर्मेनिटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये एक्ट करता है एज ए पावरफुल टूल फॉर क्रिटिकल इंक्वायरी सोशल क्रिटिक जो कि एम करता है एट डिस्कवर करने के लिए हिडन और इनविजिबल नॉन अपेरेंट ट्रूथ्स थ्रू चैलेंजिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजीज जो कि प्रमोट करती हैं मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसिस। और जो हर्मेनिटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये रेज करता है क्वेश्चन अबाउट द सरफेस अपीयरेंसेज ऑफ द टेक्स्ट बिलीफ्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस एंड इट एम्स टू अचीव डीपर मीनिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेक्स्ट बिलीफ्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस। और जो हर्मेनिटिक्स ऑफ सस्पिशन है ये एक रिफ्लेक्टिव अप्रोच है और सोशली एंगेज्ड वे है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट सोशल फिनोमेनास की। और हमने आल्सो ये भी सीखा कि दैट देयर आर थ्री मास्टर्स ऑफ सस्पिशन सो जो रिक्वायर हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कार्ल मार्क्स सिगमंड फ्रायड एंड फ्रेडरिक नीत्शे को एज प्राइमरी फिगर्स जिन्होंने यूज़ किया इस हर्मेनिटिक अप्रोच को। जैसे जो मार्क्स हैं वो डील करते हैं कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स क्लास रिलेशंस और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एक्सप्लॉयटेशन। इसी तरह जो फ्रूड है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं अनकॉन्शियस डिजायर्स कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस जो कि शेप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर सरफेस लेवल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड सेम जो नीतिज ही है वो एनालाइज करते हैं मॉरल वैल्यूज रिलीजियस बिलीव्स को और उसके अकॉर्डिंग जो मॉरल वैल्यूज रिलीजियस बिलीव्स हैं एक्ट करते हैं एज अ टूल फॉर सोशल कंट्रोल और जो कि रोकते हैं इंडिविजुअल्स को फ्रॉम देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्री विल। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। एंड दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डॉग चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।